एग्ज़ाम के बचे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके, मैं मान के चल रहा हूँ 25 दिन, तो एग्ज़ाम से पहले कौन कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए जिसमें श्योरिटी हो और आप जो उलझ रहे हो वो ना उलझो। हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार सिंह, शिक्षा धाम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए खास है जो बच्चे 4 सेमेस्टर में हैं और सब्जेक्ट है उनका कॉरपोरेट अकाउंट। तो जो बच्चे 4 सेमेस्टर कॉरपोरेट अकाउंट के हैं लिए हैं, सिर्फ ये उन्हीं के लिए वीडियो है, बाकी बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। तो सर, कॉरपोरेट अकाउंट के काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर इसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर बता दें, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा है कि बच्चे इसमें उलझ से गए हैं, क्या करें, ख़त्म ही नहीं हो रहा। पहला चैप्टर हम उठाते हैं, ख़त्म ही नहीं होता। दूसरा देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि दूसरा चैप्टर पहला चैप्टर है कि पहला चैप्टर दूसरा है। 4-5 चैप्टर कर लिए लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, सब एक ही जैसे लग रहे हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए, एग्ज़ाम के बचे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके, मैं मान के चल रहा हूँ 25 दिन, तो एग्ज़ाम से पहले कौन कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए जिसमें श्योरिटी हो और आप जो उलझ रहे हो वो ना उलझो। तो कुछ चैप्टर हम करेंगे आज, और कैसे प्रैक्टिस करना है हमें, उस चैप्टर को कहाँ से करना है, वो सारी बातों का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे पास कॉरपोरेट अकाउंट की बात करें सेमेस्टर 4 की, तो एग्ज़ाम नॉर्मली हमें पास्ट पैटर्न को लेके और नॉर्मली जो एग्ज़ामिनर के थॉट होते हैं पेपर को लिखे उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो आपका 75 का पेपर आएगा और आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 आएंगे पेपर में। सर 5 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, बिल्कुल, और इसके और में भी होंगे आपके 5, तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 10। तो काफ़ी सारे बच्चों का है, सर इस बार DU एक्स्ट्रा टाइम देगा। एक्स्ट्रा टाइम ठीक है, और हम ऑप्शन ज़्यादा देंगे, तो ऑप्शन पहले भी 5 में 5 मिलते थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता है। अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं कोविड से पहले, तो पहले भी 5 में 5 क्वेश्चन ऑप्शन मिलते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि 10 में से कोई 5 करो, ऐसा नहीं होता। पहला क्वेश्चन उसमें ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन उसमें ऑप्शन, इस तरीके से रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चैप्टर करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। स्ट्रेटेजी का अच्छे से रखोगे तो बहुत आराम से, बहुत इजीली आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। और मैं सारी वीडियो YouTube पे ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे मैक्सिमम। पहला जो है ना, पहला चैप्टर है हमारा इश्यू ऑफ शेयर, बोनस शेयर, बायबैक, रिडम्पशन। ये वाला जो पार्ट है ना, बच्चों को बहुत परेशान करता है। और ये वाला पार्ट मैं बात करूँ तो क्या है, पूरे सब्जेक्ट की मैं बात करूँ कॉरपोरेट अकाउंट की, तो एक तरीके से नींव है। अगर नींव नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो कहीं भी घुस जाते हैं। ये वाला चैप्टर डिबेंचर में भी घुस जाएगा, ये टॉपिक रिकंस्ट्रक्शन में भी, ये टॉपिक कैश, हर जगह मतलब के बीच ना बीच में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये चैप्टर, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आपका स्टार्ट करने का स्ट्रेटेजी ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चैप्टर, पेपर आसान आता है हमारा एग्जाम का, तो इस बात को ध्यान रखना है आपने। तो सर हमें पहले, तो सबसे पहले ये चैप्टर और इसमें मैं बीच में पहले ही लगा देता हूं, और ये पहला क्वेश्चन होगा, और पहला क्वेश्चन भी जो मैक्सिमम चांसेस है ना वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में से पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन। तो अगर आप ये सारे चैप्टर करते हैं और ये चैप्टर करते हैं तो इन दोनों में ऑप्शन आएगा पहले क्वेश्चन के अंदर आपके एग्जाम में, और ये चैप्टर आपका 15 नंबर का कंप्लीट होता है। तो बच्चों का मानना है कि सर हम ये करें या डिबेंचर, तो सबसे पहले मैं बताऊं इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स वो चैप्टर है जो आपने 12th में किया था, और वो था ना अब भूल भी चुके हैं काफ़ी सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम पे इश्यू ऑफ शेयर्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो मैंने इससे रिलेटेड सारी वीडियो बनाई, आप देखिए अच्छे से नोटिंग करिए। इसके बाद बोनस, बायबैक, इन दोनों चैप्टर की बात करूँ ना तो कहने को चैप्टर है लेकिन 4-4 5-5 क्वेश्चन बस,
आपके बुक में भी, 10 ईयर में भी, छोटे छोटे से। और अगर आप ये पूरा चैप्टर करते हो, मान लेते हैं इसको पूरे चैप्टर करने में शुरू से लेकर 10 एंट्री होती है, बोनस शेयर और राइट इशू की सिर्फ एक एक, मैं बोलूँ तो बोनस शेयर की 2 एंट्री होंगी, राइट इशू की 2, तो 2 एंट्री के चैप्टर हैं ये। सेम बायबैक की भी 2 एंट्री होती है, 2 एंट्री का चैप्टर है। लेकिन होगा क्या, बोनस इशू में थोड़ा सा इसको टच दे देंगे। तो बहुत सिंपल सा है ये बोनस इशू का चैप्टर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, महा आसान चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर। तो होपफुली गाइस, मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि फर्स्ट यूनिट को टारगेट कैसे टारगेट होना चाहिए, कि फर्स्ट यूनिट में ये वाले चैप्टर तो हमें 100% करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल अच्छे से करना है। कहाँ से करना है, सिंपल सी बात है, मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, मैं दिखा भी दूंगा। तो पहला चैप्टर कर लेते हैं, आप ये वाली यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके अंदर आप सबसे मान के चले भारी चैप्टर, तो मैं बोलूंगा एक ये है। भारी भी क्यों, आपने जो 12th में, जिन बच्चों को 12th वाला इशू ऑफ शेयर्स आता है, वैसा ही क्वेश्चन आएगा बीकॉम सेकंड ईयर में। कहने को होता है थोड़ा टफ हो सकता है सेकंड ईयर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा। जिनका 12th में अच्छा है तो वो उसी बेसिस पे करें। तो ये चैप्टर और ये चैप्टर लास्ट वाले, ये दो तो दो दो एंट्री के है, तो मैं बोलूँ 2 एंट्री इसमें सीख लो, 2 एंट्री तो 4 एंट्री के चैप्टर है। तो एक तो ये यूनिट करना बहुत जरूरी है आपको। और इन सभी के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, सिर्फ इसके नहीं डले हैं अभी, और बहुत जल्दी मैं इसके बना रहा हूँ वीडियो आप सभी के लिए, ठीक है। डिबेंचर ऑप्शन में, डिबेंचर के अंदर 2 चैप्टर है सर, 2 चैप्टर कौन सा है डिबेंचर के अंदर, एक है हमारा इशू और एक है हमारा रिडेम्पशन। इसके भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, और ये भी एकदम लड्डू सा चैप्टर है। तो मैं स्ट्रेटेजी का अगर आपको फॉलो करवाऊं, तो जिन बच्चों को ये वाला चैप्टर अच्छा लगता है वो ये कर ले, और ये वाला चैप्टर अच्छा लगता है ये। मैं ये वाला चैप्टर कहूंगा बहुत आसान होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, स्ट्रेट ये बोला ये करो, ये बोला ये करो। डिबेंचर वाला चैप्टर थोड़ा घुमाता है, तो मैंने 2 चैप्टर इसलिए यहां पे लिख दिया, किसी बच्चे को मान लो डिबेंचर अच्छे से आता हो तो ये, तो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर स्ट्रांग कर ले, तो लो 15 नंबर कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड नंबर पे उठाएं रिकंस्ट्रक्शन, जो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा आपको। रिकंस्ट्रक्शन के चॉइस में अमलगमेशन आता है, तो अमलगमेशन नहीं करना आपने, वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। और रिकंस्ट्रक्शन इतना आसान चैप्टर है, अब मैं इसकी वीडियो डालने वाला हूं फटाफट से, ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग हो गई है। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर आपने हार्डली 4 से 5 घंटे करे, डन, और मजा आने वाला है। लेकिन इसके बाद ही आप रिकंस्ट्रक्शन करना, उसका लॉजिक मैं बताऊं, क्योंकि कुछ पार्ट्स शेयर से रिलेटेड, क्योंकि ये जनरल एंट्री वाला ही चैप्टर है। तो नंबर 2 पे आपने करना है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब इन चैप्टर को और इन चैप्टर को करते समय पे आपको एक समस्या हो सकती है, कि सभी क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो सर बैलेंस शीट तो नहीं करा, बच्चा यहां उलझ जाता है, अरे यार इसमें बैलेंस शीट बोला है, ये तो आता ही नहीं। आप हर एक चैप्टर के बैलेंस शीट को पहले इग्नोर करें, पहले जर्नल सीख लें, बैलेंस शीट मैं बताऊंगा कैसे आ जाएगा आपको। तो पहले ये चैप्टर कंप्लीट किया, 15 नंबर कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया 15 नंबर कंप्लीट, कितने क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आप उठा ले आपका जाना माना चैप्टर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 5वां क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पिक करना है आपने, और लास्ट में आपने फाइनल अकाउंट पिक करना है। अब मैं बता दूं कि कौन सा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपके एग्जाम में। तो देखो मैंने क्वेश्चन का प्लेस भी बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 4 चैप्टर है होल्डिंग कंपनी। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, आप सबका ये जो मैं स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहा हूं, मैं उस हिसाब से बना रहा हूं, जिसने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक वो अभी से स्टार्ट करें, डन। 4 क्वेश्चन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस बच्चे की उम्मीद है ना कि सर हमें लग भी नहीं रहा कि पास होंगे, सेकंड फेज में चले जाएं, वो बच्चा 60 नंबर स्कोर कर सकता है, उसमें कोई नहीं रोक सकता आपको दुनिया की ताकत। तो सिंपल सी बात है, क्या क्या करना है, एक इश्यू ऑफ शेयर्स वाले ये पूरे यूनिट्स हैं, मैंने वीडियोस भी बना के डाल दिए, आप वहां से करिए, या आपको पहले से आता है जो बच्चे ऑलरेडी कहीं कोचिंग ले रहे हैं वो वहां से करें अच्छे से, ठीक है। नंबर 2, इन दोनों में ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, रिकंस्ट्रक्शन करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर फाइनल अकाउंट। सर फाइनल अकाउंट जब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपने लास्ट में क्यों लिखा, तो इसका मैं जवाब देता हूं, फाइनल अकाउंट है बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये वो फाइनल अकाउंट नहीं है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैलेंस शीट, ये कंपनी का फाइनल अकाउंट है। इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा अच्छे से बनाना बैलेंस शीट और P&L। अच्छा, इसमें बैलेंस शीट और P&L सिखाया जाएगा, बिल्कुल। अगर आप इसकी जनरल सीख लें,
इसकी जनरल सीख ले। ये कैश फ्लो तो एक अलग ही चैप्टर है, आपको पता है स्टेटमेंट बनता है ऑपरेटिंग फ्लो, तो इसके भी वीडियो डालने चालू हो जाएंगे अब, तो एक ये सीख ले, इसके जनरल एंट्री। इस चैप्टर में बोला गया है कि बैलेंस शीट बनाना है, इग्नोर इट। इस चैप्टर में बोला गया है बैलेंस शीट बनाना है, इग्नोर इट। डिबेंचर जो बच्चा कर रहा है बैलेंस शीट बना रहा है, इग्नोर इट। क्योंकि जब ये वाला चैप्टर हम कर लेंगे सबसे लास्ट में तो बैलेंस शीट आ ही जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले हम ये कर लेते हैं ना, लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे नोट्स बनते हैं, आपका टाइम खराब होगा। मैं उस हिसाब से आपको प्लान बता रहा हूं कि आपका जल्दी 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 हो जाए। जब आप ये चैप्टर कर लेंगे ना तो एक बार रिवीजन में इन चैप्टर को तो करेंगे ही, साथ के साथ बैलेंस शीट बना लेना, क्योंकि बैलेंस शीट में आप क्या हो गए हो, परफेक्ट। इस चैप्टर को करने के बाद इसके भी वीडियोस आएंगे अभी, ठीक है। मैं एग्जाम से पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, काफी सारे बच्चे परेशान हैं इस बात को लेके। तो ये था हमारा 20 डेज में करने का। जैसे कि ये सारे चैप्टर अगर आपको करना है हार्डली 3 डेज, अगर मैं बात करूं तो 3 to 4 डेज, मान लेते हैं 4 दिन, और इन दोनों में से जिसको जो अच्छा लगता है 4 दिन में हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए मुश्किल से 2 दिन, क्योंकि अब आप ज्यादा ज्यादा पढ़ रहे हो ना, 3 से 4 घंटे आप सोच रहे हो जल्दी जल्दी खत्म करें, तो मुश्किल से दो दिन अगर आप डेडिकेटली पढ़ रहे हो और धीरे आराम से पढ़ते रहे, कर लेंगे, टीवी देख लेते हैं, तो 4 दिन लग जाएंगे आपके, ठीक है। और फिर आपका कैश फ्लो में भी आप लोगे 3 दिन। इस बैलेंस शीट में आप थोड़ा आराम से देना वक्त, और इसको देंगे हम 4 दिन। तो देखो कितने, 4 दिन, 2 6 दिन, और 6 और 3 9, और 4 13, मैं तो 25 दिन की बात कर रहा हूं, लेकिन कंटिन्यूसली 13-7 दिन प्रोविजन लेके चल रहा हूं, किसी चैप्टर में ऊपर हो जाए और नीचे हो जाए। समझ में आई बात आपको? अब पढ़ना कैसे, करना कैसे, सिंपल सी बात है, जो अपने कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो वहां के हिसाब से चल रहे हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं मेरे यूट्यूब के हिसाब से चल रहे हैं, जो मेरे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उसमें तो सेम ही है मान लेते हैं यूट्यूब का, और वो सारी बातें मैंने लगभग करी हुई है। तो अब मैं बताता हूँ स्ट्रेटेजी। मेरी वीडियो देखी, काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि सर वीडियो में देख तो रहे हैं क्वेश्चन नहीं मिल रहा, क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे, तो मैंने क्वेश्चन एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, चैप्टर वाइज में डलवा दिया है। अब जो इन बच्चों का डाउट है कि सर हम कैसे करें, तो पहले मेरे वाले क्वेश्चन किए, जो क्वेश्चन कराया है सिर्फ वही करना है। उसके बाद 10 ईयर उठाया, 10 ईयर की मैं बात करूं तो ये देखिए शिवदास का 10 ईयर। मैं शिवदास का 10 ईयर इसलिए बोल रहा हूं, आपको विजुअल हो ना हो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आप सभी को। इसमें देखिए आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, थ्योरी का भी मैं बाद में बात करूंगा, थ्योरी तो मैं बाद में बात करूंगा, आपको इसमें चैप्टर वाइज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए प्रैक्टिकल अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, आपने सपोज करिए शेयर वाला चैप्टर खत्म करा, सारे क्वेश्चन करके देख लिए, एक एक बुक की जरूरत ही नहीं है, और अभी बुक लेना भी अकलमंदी की बात नहीं है, सारे चैप्टर फिर ऐसे ही चैप्टर वाइज है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो सारा कर लिया, पीछे पेपर दे रखा है, तो दोनों चीजें हो जाती है इसमें कंप्लीट, ठीक है। तो भाई इसके अंदर क्या करना है आपको, पेपर में सबसे पहले मेरा वीडियो देखा कौन सा, शेयर, और सिर्फ शेयर्स वाले सारे क्वेश्चन निपटा लिए, पक्का हो गया। उसके बाद आपने देखा बोनस, बोनस वाले क्वेश्चन निपटा लिए, बायबैक, बायबैक वाले क्वेश्चन निपटा लिए, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, निपटाने का मतलब ये मत समझना 100-100 क्वेश्चन, 5-5, 7-7 क्वेश्चन है इसमें, और वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया उसमें इंपॉर्टेंट पूछोगे क्या आप, तो जवाब है नहीं सर एग्जाम में आया तो इंपॉर्टेंट ही था वो। तो सेम हर किसी का स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो आप सभी बच्चे कैसे करना है तैयारी, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया, होपफुली आपको मदद मिलेगी इससे। जिन बच्चों को इससे हेल्प हो डेफिनेटली आप सभी कमेंट में भी लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के बाद फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बहुत बच्चों के मन में डर है, तो उसका थोड़ा सा डर दूर हो मैं ये चाहता हूं। तो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट का सिलेबस है, वैसे तो मैंने बताया है आपको कि 15 दिन में भी सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, तो इसका मतलब आप ये मत करना बिल्कुल भी कि 15 दिन का हो जाएगा तो 5 दिन और आराम कर लेते हैं, ऐसा मत करना, अभी से तैयारी करेंगे, फिर बाद में मैं टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। तो कॉर्पोरेट में एक ये, इन दोनों में चॉइस आएगा। रिकंस्ट्रक्शन तो देखिए गिनती के कितने चैप्टर बताए, 1, 2, 3 और 4, 4 चैप्टर 4 क्वेश्चन डन, बस। बुक में 10 चैप्टर है, आप क्यों उलझ रहे हो अभी? सर एक क्वेश्चन कौन सा छुड़वा दिया, एक क्वेश्चन आएगा होल्डिंग और सब्सिडियरी में से, होल्डिंग और सब्सिडियरी में से जो क्वेश्चन आएगा ना वो टफ होता है, तो सर हम करेंगे नहीं। आप पहले ये खत्म करिए, मैं आपके साथ हूं, मैं डेफिनेटली वो चैप्टर भी कराऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि पहले वो वाला चैप्टर करा दूं ताकि आपका बोलो कॉर्पोरेट मुश्किल हो जाए। कॉर्पोरेट यकीन करना
कॉस्ट से इजी है, सिस्टमेटिक तरीके से चलो तो आपका हो जाएगा। और कैसे पढ़ना है अभी बुक मत लेना, और जिनके पास बुक भी है बुक से स्टडी अभी के लिए मत करना, 10 ईयर फॉलो करो सारे सब्जेक्ट के। थ्योरी के ऊपर नोट्स बन रहे हैं, मैं थ्योरी के नोट्स सारे आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का वीडियो बनाने का यही तरीका था, और 10 ईयर के लिए मैंने आपको बताया है शिवदास का 10 ईयर लेना है, शिवदास का 10 ईयर लेना है। क्यों? रीज़न मैंने बताया, क्योंकि इसके 10 ईयर मैं काफ़ी टाइम से रिव्यू भी करता हूँ, रिव्यू का इन द सेंस कि इनके 10 ईयर को मैं फॉलो, जो भी ऑफलाइन बच्चे आते हैं तो मैं देखता हूँ एरर भी बहुत कम है, ना के बराबर है, और साथ के साथ सिस्टमेटिक अच्छा है, आपकी भलाई है इसमें। बस कैसे करना है सर, जो दिल्ली से आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं। अब देखो एक दिक्कत आती है कि दुकानदार कई बार बोल देते हैं, नियर बाय मिल जाता है, बोल देते हैं कि सर कॉर्पोरेट का 10 ईयर नहीं है, प्रोग्राम का 10 ईयर आता ही नहीं शिवदास का। तो मेरे पास देखो प्रोग्राम का 10 ईयर है, आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस कॉन्टैक्ट पर सीधा कॉन्टैक्ट करिए, मेन सेल हेड है मिस्टर ग्रीस जी, उनसे कॉन्टैक्ट करिए, और कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको हैंड टू हैंड वो डिलीवर करा देंगे। तो आज का वीडियो बनाने का यही पर्पज था प्यारे बच्चों, 4 चैप्टर करने आपने, मन लगा के करने, पढ़ना स्टार्ट करिए, और मैं धीरे धीरे आपको प्लानिंग बताता जाऊंगा। जो उसका जो डाउट होता है कमेंट में लिखिए, और एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आप, कोर्सेज को बाय करें या ना करें उसके अकॉर्डिंग आपको वॉइस नोट मैं देता रहता हूं कि अब क्या करना है नहीं करना है। दूसरी बात, जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि इस चैप्टर के अगर मैंने 20 वीडियो बनाए हैं तो 20 में से मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लगा के उस पर स्टार लगा देता हूँ। स्टार लगाने के बाद आपको सिर्फ 20 वीडियो नहीं देखनी, आपको 8 वीडियो देखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो मैं इतना, जो बच्चे एप्लीकेशन पे, क्योंकि यूट्यूब पे ये वाला काम मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन ये काम करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि किधर करें, हर चीज़ पे बाउंडेशन है, बच्चों के वॉइस नहीं कर सकते, बच्चा कमेंट नहीं कर सकता टाइप करने में, तो वो चीज़ें, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पूरा करूँ। तो बस मैं एप्लीकेशन पे ये वाला काम कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों, अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े, डेफिनेटली पास हो गए और अच्छे नंबर से। और जब जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो कमेंट में लिखना सर आपके वीडियो से हमारा चैप्टर अच्छा हो गया है और बड़े अच्छे से तैयारी है। जिन बच्चों को आप देखिए बताइए, जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा हो चैप्टर करने के बाद जरूर कमेंट में लिखो कि हमने किया और अच्छा हुआ, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, बाकी आपके दोस्तों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि इस चैप्टर को करने के बाद अगर उसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली होगा। तो बच्चों यही बताना था, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लान लेके आऊँगा ई कॉमर्स के लिए। थैंक यू सो मच।